दिनों के बाद तो जाने की ट्रैक्टर पे जाऊंगी लेकिन हमारी एलिस हो जाती है फिर बच्चों को चमका के आती है बाहर तक। अरे बाबू क्या बात हो गई। अरे बाबू का दिन है नेक्स्ट। कल हो रहा था इसको फीवर, आज सुबह मॉर्निंग का इसका ये सीन है भाई। हाँ बेटा बाबू टी शर्ट नहीं बांटते, गंदी बात। इसमें लगाओ गैप ग्रिप भैया के कपड़ों में, गंदी बात होती है बेटा, गंदी बात होती है। ओ ओ ओ ओ बदतमीज हो रहा है साले गुंडे। अब ये दोनों चल रही हैं भाई सुबह घूमने, दोनों को ले गया तो कर देंगे पागल मुझे, क्योंकि या फिर भी पागल हो ले इसके ख्याल में, पड़ोसी इनके बढ़ जाएगी, कभी कहीं जाएगी, कभी नीरो के घुस जाएगी। अब इसको देख गया कौआ, तो कौए को चमकाने के चक्कर में है। अभी एक को लेके जाता हूँ फिर दूसरे को लेके जाऊँगा, यही ड्यूटी लगी रहती है। सुबह बच्चों की गाड़ी भी आती है तो ये फिर मुँह ऊपर उठा के भगते हैं, इनको नहीं पता कि भाई आगे कुछ आ भी रहा है नहीं, ये तो बिल्कुल ही बाबला देगा। अच्छा हमको सिखा रही है। अरे भाई बाबले चलो परी आगे मिलने को बस। आजा चल। देख पीछे देवू फिर तो बोलिए तेरे घर पर तेन दिखाया था ही। अजी हाँ हट जाओ खतरनाक आदमी। आ जा एलिस क्या दिक्कत है। चेक कर दे चेक। चल अपना काम देख खुद कर ले चेक। आंख भी मट्टी में भंड रही है क्या रही है मौज करके आई है ऐसे ले देख। मैं चल गया ट्रैक्टर लेके पीछे, आप देख सकते हो ऑस्कर को। एलिस हमारी ज़्यादा परेशान रहती थी ट्रैक्टर के लिए, लेकिन ये तो उसका ही बाप हो गया। ट्रैक्टर चाहिए बाइक चाहिए बस घुमाओ इसको ट्रैक्टर बाइक पे। ट्रैक्टर चाहिए अब तो एलिस भी ना कह रही जाने की, तू कह रहा तू जाएगा ना। रुक जा एक तो चक्कर डंड है चल रही है, एक बार बच्चों को देख लेगी एक बार अंदर भाई खोलने गया है औशु को। कौन कौन जाएगा ट्रैक्टर पे, एक तो गया ए ए ए हम जाएंगे ट्रैक्टर पे। अरे ट्रैक्टर पे बैठो कौन कौन जाएगा। एलिस बैठ रही है ट्रैक्टर पे। एलिस जाएगी यार ऑस्कर को भी बैठना है। मैं बैठाता हूं बैठा ले जल्दी बैठ गया वो तो। कहाँ जाना है कहीं ना जाते नहीं घर जाना जाते नहीं है गंदी बात। उल्लू बना के लाया चलो घर। उल्लू बना के लाया है कह के ट्रैक्टर की और हमें उल्टी मोड़ रहा है तू। चलो चलो उल्लू बना रहा देख ले बालकों का। हट हट लोग हट जा लग। चलो ट्रैक्टर पे जाऊंगी जाऊंगी छोड़ी छोड़ तो सही छोड़ तो सही आज जाएगी भाई आज ना बच्चों का ध्यान। एलिस बाबू एलिस बाबू बाबू में जाओगे तो बाबू कहाँ है बच्चे। खबरदार जो हाथ लगा दो बच्चे देख लेगी मम्मी और जीजी। बात तो सही है हम जाएंगे ये अपनी मौज में तसल्ली से खड़े हैं ना। दांत मार देगी बहुत दिनों के बाद तो जाने की बोल रही है। तुम्हारा क्या सीन है तुम भी क्यों करो ऐसा क्या बोल रहे हो। मैं चलो आ जा जल्दी आ जा एलिस से पहले चल जा एलिस से पहले।
एलिस अगर एक बार बैठ गई तो एलिस नहीं उतरने, फिर ये तो उतर जाएगा। एलिस बाबू, एलिस बाबू, एलिस बाबू, एलिस बच्चे, अब ना ध्यान दे रहे हो कुछ भी नहीं। बाबू कहते हो इतनी जल्दी चले एलिस, चल तो सही है बाबू कह के। बाबू मैं जा रहा बाबू को देने। बाबू एलिस, बाबू इतना जानती है तेरे से पहले चेक करके ले, कहीं ना जाना, नहीं तो उल्लू बना रहा है, उल्लू बना के मुझे अंदर बंद कर दिया है। देख रहा तमाशा। हाँ भाई गर्मी बहुत है, कोई सा भी बच्चा नहीं जा रहा, इन्हें उतार दे। चलो अंदर। और शुक्र देख अंदर, इसका बैठना हमेशा उल्टा ही है भाई, इनको लेके जा नहीं सकते, मुझे बहुत सारा काम, ये मार्केट में हुई हुई आ जाएगा। तो छोड़, तबीयत भी थोड़ी डाउन है, अभी देखना है इसको चेक करके और भी कि आज कंडीशन क्या रहती है। इनके बच्चे हैं ही तो इनको कौन संभालेगा, ये मैडम तो चल देंगे टैंकर ट्रैक्टर पे, मम्मी जी जी देख लेंगे, जी जी फिर आफत रहेगी। चल ये देखते तो वैसे भी नहीं है, दूध तो हमें पिला रहे हैं आज, ये तो फ्री है। आज इसके ओस्कर के लिए लाऊंगा टायर जिसमें ये ग्रिप लगाया करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा गुस्सा करता है, तो उसके लिए भी इसको थोड़ा सा तो ट्रेन करना पड़ेगा। अब क्या करता है, कुत्तों के सामने जाता है, सूसू करता रहता है, उनके लाड़ में आके सूसू निकलती रहती है। मैं तो इतनी शांति से बैठा हूँ, क्यों मार रहा है? सॉरी सॉरी कहती होगी, कहती होगी। सर जी मुझे भी बैठा ले, कहाँ कहाँ चलो आ जा बेटा, हम बाबू पास रहेंगे, बाबू पास ना कर रहा अभी उतरने का जी ना कर, उतर जा चल उतरो। एक नीचे खड़ी है तैयार चढ़ने के नाम की, चलो उतर ले, चलो चलो जाओ जाना रे, चलो चलो अंदर पहुंचो घर, बता ही दे रहा होगी मजा लेते, चली तू भी चल अंदर। दोस्तों अभी आया तुम्हारा भाई खेत पे से काम करके, यहीं से देख सकते हो आप, खेत का सामान लेके करके, और मैंने दिखाया था आपको वहाँ पे एक नमू, देखो ये आज खेत में काम करके आया, बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे इसके अभी फेशियल, मेरी आंख में मच्छर भी गिर गया, चेहरा देखो कितना रेड हो रहा है इसका। अब इसको ग्रिप लग के लिए लाया, क्योंकि फिर मम्मी की साड़ी पकड़ता है, चुन्नी पकड़ता है, हालत ऐसी हो रही है मेरे भाई। पहले कैमरे पर साफ पकड़ लो, साफ है जब तेरा मुंह ही लाल है तो क्या करें, अभी इसको पता ही ना है इसको करना क्या है, इसको पता है साड़ी का पैंट का सूट का, ले चल पकड़ इसे, नहीं पकड़, मैं नहीं पकड़ता। बड़ी जी जी आ गई, मैं इसका कान पकड़ाया था, मैं कह तू क्यों आई है, भौंके है अभी एलिस, चल तोलिए पे तो ये भी लगा देगी, गिरे पट्टे पे लगा देगी, ले पकड़ तो दे, क्या क्या है बता, क्या नु कह रहा, तू जा भाई जा, बस जा तू, तुझे कुछ और काम तो नु कह है ना, तू जा जाओ सीधे जा जाओ। ओस्कर तो गया, एलिस ही खड़ी है, एलिस को पता है देख खेलने का टाइम हो गया, अभी नींद में घूम रहा है ये, और सुन एलिस यूं कह रही है करने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या करना चाहता है इसको पता ही ना, क्या करने की कोशिश कर रहा है, ना पकड़ू नुके चल नुके हम देख पकड़ू ना नुके, चल चल नुका देखा भी हो इस काम को तो कर सकते हो, यहाँ जाओ पहले दोनों के पास आ जाओ, दोनों दोनों आ जाओ, दोनों दोनों आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तू भी आ जा, मैंने दांत मारा मेरे, यहाँ आ जा क्यों, क्या है रबड़ तो ठीक ठाक काट ले, जिस दिन लग गया ना इसको मुंह उस दिन इसे कुतर कुतर के बराबर कर देगा, ट्रेनिंग चली जाएगी, तेल लेना ट्रेनिंग, बोल दिखा दे 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 दिखा
देख तो यहाँ खेल चल रहा है वो हाँ जाओ अपना काम देखो। टंकी पे जाकर खड़ी हो गई अभी, अब देखती रहेगी अंदर को कि पानी पिलाने कौन आ रहा है, फिर भाग गया यूज करके चक्कर में। पसीना इतना आ रहा है, टप टप हो रही है। अभी एलिस उधर से रूम में से आ गई है, उधर से लाया हूँ बच्चों के द्वारा से। तो ये आते ही देखो इसका डंडा चालू हो गया, अब इसको छेड़े बिना मानेगा नहीं। देखो देख इसका तरीका ही अलग है, अब मम्मी को छेड़ देगा, अब फिर एलिस को छेड़ देगा। ओए इधर आ, क्या ले रही है इसमें? कटोरी में पिलाने का ट्राई कर रहे हैं इस बच्ची को, तो एलिस एलिस कह रही है ला मुझे दे दे, दूध की बहुत लगी हुई है। हाँ। दूध चाहिए इसे। मैं पी लूंगी भैया, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ऐसी होगी शुरू में तो धीरे धीरे पीना सीखेगी ना, क्योंकि ये वाला बच्चा ना तो लग रहा है निप्पल पे, ना लग रहा है कॉटन पे, थोड़ी बहुत जीभ निकालने सीख गई है इसीलिए थोड़ा बहुत ये बाउल में पी लेती है, लेकिन ड्रामे ज्यादा करती है। एलिस इस चक्कर में है ये दूध मुझे मिल जाए, इसीलिए बच्चे को बिटा रही है। जब तक ये इसके पास रहेगी इसकी स्मेल लेगी और अपनी देगी ना, तब तक ये चुप रही है, अगर पीना होगा वैसे भी नहीं पिएगी। हट जाते हैं। इसे तो दूध की कटोरी चाहिए, इसे कुछ ना चाहिए और।